आपको भी इंस्टाग्राम में लॉगिन करते टाइम ये एरर आ रहा है, एन अननोन नेटवर्क एरर हैज़ अक्योर्ड। अगर आपको भी ये अननोन नेटवर्क एरर आ रहा है आपके इंस्टाग्राम में, तो आपको क्या करना है, मोस्टली ये आपको लॉगिन करते टाइम आता है। हालांकि आपको पासवर्ड वगैरह पता होता है, कई बार आप भूल भी जाते हैं तो आपको ये एरर देखने को मिलता है, या फिर आपका प्रॉपर पासवर्ड होता तो भी आपको ये देखने को मिल जाता है, आप लॉगिन नहीं कर पाते और आपको ये एरर आता है। तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले ये प्रॉब्लम चेक कर लेनी है आपको, आपको इंटरनेट वगैरह अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा। आपको इंटरनेट वगैरह चलना चाहिए तभी ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो पाएगी। मोबाइल नेटवर्क है जो उसको मोबाइल डेटा को ऑन ऑफ कर लें, देन उसके बाद एयरप्लेन मोड है उसको ऑन कर दें, नेटवर्क्स वगैरह चले जाएंगे, फिर रिफ्रेश होकर फिर से आ जाएंगे, इसको बंद कर दीजिए 10 सेकंड ऑन रखने के बाद। तो ये काम आपको कर लेना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका इंस्टाग्राम है उसका सर्वर चेक कर लेना है। एक वेबसाइट है डाउन डिटेक्टर करके, वहाँ पर जाना है और यहाँ पर डाउन डिटेक्टर में चेक कर लेना है। अगर आपका इंस्टाग्राम का जो स्टेटस है सर्वर है वो डाउन है तो यहाँ पर आपको शो कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम का सर्वर डाउन नहीं है, यहाँ पर आपको शो कर देगा, यहाँ पर रिपोर्ट्स वगैरह भी दिखा देगा कि आपको कि क्या चल रहा है। फिलहाल देख सकते हैं इंस्टाग्राम में क्या प्रॉब्लम आ रही है वगैरह, सब कुछ यहाँ पर दिखा देगा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं सर्वर कनेक्शन और लॉगिन में प्रॉब्लम कितनी आ रही है, सब कुछ यहाँ पर आपको दिखा देगा, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, मोस्ट डायरेक्टली आ जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको स्क्रॉल करना है नीचे और यहाँ पर ऐप्स पर क्लिक कर लेना है, मैनेज ऐप्स पर क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर सर्च बार में आपको इंस्टाग्राम को सर्च कर लेना है। तो इंस्टाग्राम को सर्च कर लेते हैं, इंस्टाग्राम आ चुका है, ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ से इसका स्टोरेज पर क्लिक करते हैं, यहाँ सबसे पहले इसका क्लियर कैच करेंगे, देन उसके बाद इसका क्लियर ऑल डेटा कर देंगे। देन उसके बाद आपको और क्या काम करना है, अपनी सेटिंग में आने के बाद सेटिंग में आना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन, या फिर आप चेक कर लीजिए, देख सकते हैं एडिशनल सेटिंग में डेट एंड टाइम मिल जाएगा, अपनी डेट एंड टाइम को सेट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेट टाइम ऑटोमेटिकली, इसको ऑन कर दीजिएगा, आपका जो टाइम है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग में ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऐप्स के अंदर, फिर मैनेज ऐप्स में आना है और यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है थ्री डॉट्स में आना है, थ्री डॉट्स पर क्लिक करके रीसेट ऐप प्रेफरेंसेस इस पर आपको क्लिक कर लेना है, और जिससे आपकी जो ऐप्स हैं वो रीसेट हो जाएंगी। तो आपको रीसेट ऐप प्रेफरेंसेस पर क्लिक कर लेना है, तो ये काम आप कर सकते हैं। देन उसके बाद सेटिंग में ही आपको बैक आना होगा, बैक आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है कनेक्शन एंड शेयरिंग का, इस पर आ जाइएगा और यहाँ पर आपको एयरप्लेन फ्लाइट मोड देखने को मिल जाता है, यहाँ से भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, या फिर आप मोबाइल नेटवर्क में आइएगा। मोबाइल नेटवर्क में आने के बाद एक्सेस पॉइंट नेम एपीएन सेटिंग जो होती है यहाँ पर आइएगा और इसको रीसेट कर लीजिएगा। यहाँ से रीसेट पर मैंने क्लिक कर दिया है और अपनी जो एपीएन सेटिंग है उसको रीसेट कर दिया है, तो आपको भी अपनी सेटिंग को रीसेट कर लेना है। देन उसके बाद जो है प्ले स्टोर पर आइएगा, प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर इंस्टाग्राम को सर्च कर लेना है, इंस्टाग्राम को सर्च करने के बाद यहाँ से अपडेट कर लेना है, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। देन उसके बाद फाइनली आपको क्या करना होगा, यहाँ से अनइंस्टॉल करिएगा अपने इंस्टाग्राम को और फिर से रीइंस्टॉल कर लीजिएगा। यही कुछ पॉसिबिलिटीज़ थी, यही कुछ टिप्स थी और यही कुछ जो मैंने आपको बताना था बता दिया है। अगर इनको अप्लाई करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, फिर से आपको देखने को नहीं मिलेगी कि आप लॉगिन कर पाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके लिए कोई सोल्यूशन लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द बाय, टेक केयर, लव यू।